कंपनियों ने पहले बनाई डीजल कार, क्या यह बंद होने के कगार पर है? फिर आया पेट्रोल कार, क्या यह भी 5 साल में कबाड़ हो जाएगा? बढ़ती महंगाई के बीच में गाड़ियों को कबाड़ में भेजकर सरकार हमसे क्या चाहती है? आखिर नितिन गडकरी ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे 70 रुपये लगाकर 400 किलोमीटर की यात्रा कराएगी? हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि आपकी कार कैसे कबाड़ में जाने से बच सकती है। आपको बस आगे कुछ मिनट दिल थाम कर वीडियो को सुनना है, उसके बाद सब कुछ ताश के पत्तों की तरह साफ साफ दिखने लगेगा और आप भी कहेंगे क्या सच में यह होने वाला है। वैसे भी राज्य की सरकारें और केंद्र सरकार ने 15 साल पुरानी गाड़ियों को बाजार से बाहर करने का फैसला ले लिया है, यानी कि अब पुरानी गाड़ियों को सड़क पर नहीं दिखेंगी। सरकार ने इसके लिए भी प्लान बनाया है और इन्हें स्क्रैप करवा रही है। साथ ही साथ हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ा है, लोग अब धीरे धीरे इस पर विश्वास करने लगे हैं और यह अब हमारे और आपके आसपास दिखने भी लगा है। लेकिन सरकार के दिमाग में आखिर ऐसा क्या चल रहा है जिससे कि वह कह रही है कि डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ आने वाले समय में बंद होने वाली है? ऐसे में देश में जो इतनी गाड़ियां हैं उनका क्या होगा? पिछले दिनों केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर बोलते हुए कहा कि अगले 5 सालों में भारत में पेट्रोल की गाड़ियां बैन हो जाएंगी, इसका देश में जरूरत ही नहीं रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि निकट भविष्य में दोपहिया और चार पहिया वाहन ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल और सीएनजी पर आधारित होंगे। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के कई मायने मतलब निकाले जा रहे हैं और हमने जो आपके लिए खबर बनाया है इसका भी मायने और मतलब इसी से निकलता है। दरअसल गडकरी साहब कह रहे हैं कि वह पेट्रोल और डीजल को बैन कर देंगे, तो आखिर वे देश में गाड़ियों को चलाएंगे कैसे? इसके लिए अपने देश में 2-3 तरह के कार्य किए जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान दे रही है, यहाँ तक कि सरकारी ऑफिस में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ साथ अब नितिन गडकरी ने यह भी कह दिया है कि अगले 5 सालों में छोटी गाड़ियाँ पेट्रोल और डीजल से मुक्त हो जाएंगी। इसका मतलब है कि ये गाड़ियाँ ग्रीन हाइड्रोजन से चलेंगी या फिर सीएनजी से चलेंगी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन होंगी। ऐसे में आपके सामने एक सवाल यह होगा कि यह सब करने से सरकार को क्या फायदा होगा? इन सब को करने से फायदा यह होगा कि हमारा पर्यावरण बेहतर होगा, जिसको लेकर हमें सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर्यावरण ही खराब हो जाएगा तो हम जिएंगे कैसे, जिएंगे कहाँ? दूसरा फायदा यह होगा कि डीजल पेट्रोल के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना होगा, हम खुद इसका उत्पादन कर सकेंगे। तो आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि आखिर हम खुद से इसका उत्पादन कैसे कर सकेंगे। देश में अब ग्रीन फ्यूल का चलन बढ़ने लगा है, इसका उत्पादन देश में ही किया जाता है। किसानों द्वारा उत्पादित गेहूं, चावल और मक्के से इस फ्यूल का निर्माण किया जाएगा। इसीलिए तो गडकरी साहब ने अपने भाषण में यह भी कहा कि किसान सिर्फ गेहूं, चावल और मक्के को लगाकर अपना भविष्य नहीं बदल सकते, उसे दूसरे विकल्पों पर ध्यान देने की जरूरत है। इसका सीधा सा इशारा इसी ओर था कि आप हमें ग्रीन फ्यूल में मदद करें, आप हमें कच्चा माल दें जिससे कि हम ग्रीन फ्यूल का उत्पादन कर सकें। केंद्रीय मंत्री ने अपने भाषण में यह भी बताया कि विदर्भ के बायो एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है जो कि 70 रुपये किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। इन सब के बीच में एक सवाल यह भी बनता है कि आखिर सरकार के पास इसको लेकर पूरा प्लानिंग है? जैसे कि ग्रीन फ्यूल को लेकर गाड़ियों की टेस्टिंग हुई है, इससे गाड़ियों को और इंसानों को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं है? इन सभी बातों को लेकर सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद पूरे देश में ग्रीन फ्यूल युक्त वाहनों के साथ चलेगा जिससे कि पर्यावरण स्वच्छ रहे और हम विदेशी बाजारों पर निर्भर न रह सकें।